सैमसंग ने लॉन्च कर दी है अपनी एम सीरीज को, M20 और M10 को, दोनों ही फोन बड़ा ही कमाल के। सैमसंग ने इस बार बड़ा ही कमाल के फोन को लॉन्च किया है। क्या है इसकी प्राइस और ये कब आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है, मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले मैं बात करता हूं सैमसंग के M20 को लेकर के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको 6.3 इंच की HD+ डिस्प्ले मिल जाती है, जिसे आप वी इनफिनिटी डिस्प्ले कह सकते हो, क्योंकि इस बार सैमसंग ने एमोलेड डिस्प्ले नहीं दी है। अगर हम यही बात करते हैं इसकी रैम की, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। पहला आपको मिलता है 3GB 32GB के साथ आता है, 4GB 64GB के साथ आता है, और प्लस बात यह है कि दोनों ही फोन्स में आपको SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिलता है। अगर हमें इसकी प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, तो इसमें Exynos का 7904 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है। पिछले मंथ ही इसको लॉन्च किया था सैमसंग ने। अगर इसको स्नैपड्रैगन से कंपैरिजन करते हैं, तो ये आपका बनता है 636 या 632 के आसपास बनता है। तो ये काफी अच्छा प्रोसेसर है, आपके फोन को हैंग नहीं देने वाला है, आपके फोन को लैग नहीं देने वाला है बिल्कुल भी। आपको एक बात पता होगी कि सैमसंग के जो फोन्स आते हैं उनमें बैटरी बहुत ही कम आती है, लेकिन इस बार आपको ऐसा देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सैमसंग के इस फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। जी हाँ फ्रेंड, सही सुना, 5000 mAh की, प्लस टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलता है, जो कि आपके फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि सैमसंग के फोन्स में टाइप सी नहीं आता था, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता था, तो फाइनली सैमसंग भी अपना टाइप सी पोर्ट लेकर के आ गया है। बात कर लेते हैं इसकी कैमरे के बारे में, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं कैमरे पे तो सारे लोग फोकस करते ही है। तो इसमें दो कैमरे आपको देखने को मिल जाते हैं बैक में। अगर फ्रंट की बात करें तो इसमें आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इसके बैक कैमरे की। तो इसमें आपको 13+5 MP का डुअल कैमरा दिया गया है, जो कि आपके फोटो को अच्छा क्लिक कर पाएगा। यही बात कर लेते हैं हम लोग इसके फ्रंट कैमरे की। तो इसमें आपको 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, और दोनों ही तरफ आपको फ्लैश देखने को मिलती है, जैसे कि आप नाइट में भी फोटो सेल्फी भी ले पाओगे और बैक से भी फोटो क्लिक कर पाओगे। तो ये भी एक कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है। सैमसंग के M20 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है, प्लस इसमें आपको फेस अनलॉक भी देखने को मिलता है। दोनों ही आपको इस फोन में देखने को मिलते हैं, फिंगरप्रिंट प्लस फेस अनलॉक। सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना कि ये जानने के लिए कि इसकी प्राइस क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें दो वेरिएंट आते हैं, पहले बोल चुका हूं 3GB 32GB 4GB 64GB। तो 3GB 32GB की जो प्राइस रखी गई है वो बहुत ही कमाल की रखी गई है, क्योंकि हम लोग सैमसंग की तरफ से इतना एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि इतने कमाल की प्राइस में ये फोन लेकर के आ सकता है। इसकी जो प्राइस है 3GB 32GB की जो प्राइस रखी गई है वो 10,990 रुपए रखी गई है। जी हाँ, 10,990 रुपए इसकी प्राइस रखी गई है। अगर हम 4GB 64GB की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको 12,990 रुपए आपको देने पड़ेंगे इस फोन को खरीदने के लिए। दोस्तों प्राइस तो अच्छी रखी है इस बार सैमसंग ने। बात कर लेते हैं हम लोग यही सैमसंग के M10 के बारे में। तो इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो 6.22 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले मिलती है, वही इन्फिनिटी नॉच वाली डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। ये भी दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, एक 2GB 16GB के साथ आता है और 3GB 32GB के साथ आता है। तो इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है वो इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है Exynos का 7870 वाला प्रोसेसर मिलता है आपको देखने को। हालांकि ये लेटेस्ट नहीं है, पुराना है, बट दोस्तों इसमें हम कैमरे की बात करते हैं तो इसमें भी आपको बैक में दो कैमरे देखने को मिलते हैं, और वही सेम कैमरे आपको देखने को मिलते हैं 13+5 MP का। अगर मैं इसके फ्रंट कैमरे की बात करूं, तो इसमें आपको 5 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है।
अच्छा है क्योंकि सैमसंग ने इस बार 2 मेगापिक्सल का या 3 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं दिया है, 5 मेगापिक्सल का सैमसंग का कैमरा काफी होता है, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि इससे अच्छी फोटो आ जाती है दोस्तों। लेकिन इसमें आपको बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसमें फेस अनलॉक का ऑप्शन दिया गया है, तो ये भी ठीक है। लेकिन बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 3400 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, टाइप सी पोर्ट इसमें नहीं दिया गया है। बात कर लेते हैं हम लोग इसकी प्राइस की, तो इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको बताया 2GB 16GB और 3GB 32GB, और इसमें SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिलता है, वो मैं बताना भूल गया लेकिन मैंने आपको बता दिया है। तो इसकी बात कर लेते हैं प्राइस की, 2GB 16GB की जो प्राइस रखी गई है वो 7990 रखी गई है, और ये 3GB 32GB की जो प्राइस रखी गई है वो 8990 रुपए रखी गई है। प्राइस जो है वो कमाल की रखी गई है, क्योंकि सैमसंग के फोन्स में इतनी बड़ी डिस्प्ले, आपको 6.2 इंच की डिस्प्ले वो भी 8000 रुपए में नहीं मिलती है, ये आपको ही पता है, क्योंकि सैमसंग उन लोगों को टारगेट कर रहा है जिनका बजट जो है वो 10000 रुपए से नीचे होता है, तो उन्होंने उनको ही ध्यान में रखते हुए अपनी M सीरीज को लॉन्च किया है। तो बात कर लेते हैं ये कब मिलने वाला है आपको इंडिया में, तो आपको बता दो 5 फरवरी से इसकी सेल होने वाली है 12 बजे, और जो कि Amazon पर होने वाली है। दोस्तों अगर आप फोन खरीदने वाले हो तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप Samsung का इन दोनों में से कोई भी फोन खरीद सकते हैं, वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, बोथ फोन आर वेरी गुड। अभी Samsung का M30 एक और जो फोन आना है वो बाकी रह गया है, जैसे ही वो लॉन्च होता है मैं उसके बारे में आपको जरूर से बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा, अगर आप इस चैनल में पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, साथ में घंटी को जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और मोबाइल से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।